3 सितंबर को मेदिनीनगर के पुलिस लाइन मैदान में सहायक पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनकी जिस तरह से विज्ञापन के द्वारा आयोजित परीक्षा और शारीरिक मापदंड के आधार पर नियुक्ति की गई थी तथा 3 साल बाद उनको जिला पुलिस में सीधी भर्ती कराया जाएगा तथा वेतनमान बढ़ाने को लेकर बात चल रही है, क्योंकि ये लोग भी जिला पुलिस की जितनी ही ड्यूटी करते हैं। अब झारखंड सरकार इस बहाली को निरस्त करने की योजना बना रही है, जिससे सहायक पुलिस में नियुक्त अभ्यर्थियों को नौकरी जाने का डर सताने लगा है। उनका यह कहना है कि वे अपने परिवार का भार किस प्रकार उठा पाएंगे और गांव जाकर अपनों से क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने 16 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए लक्ष्मीकांत की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड।